हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू एरा गेमिंग। मैं हूं एरा आईबी और इस वीडियो में बताने वाला हूं स्नाइपर की हेडशॉट ट्रिक्स। स्नाइपर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, अगर चेकआउट नहीं किया है चेकआउट करना, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो पसंद आए तो। तो इस वीडियो में मैं स्नाइपर की सेटिंग्स साथ में ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके हेडशॉट आसानी से कनेक्ट होने लगेंगे। सेटिंग्स पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हेडशॉट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब एमिंग यानी निशाना लगाने की बात करते हैं। राइट का जो फायर बटन है वो, और लेफ्ट में जो ये जॉयस्टिक है ये। तो मैं जो हेडशॉट ट्रिक बताऊंगा उसमें राइट फायर बटन और लेफ्ट जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा रोल है, कैसे है वो समझ में आ जाएगा। सेंसिटिविटी की देखो मैं बात करूँ, मैं पर्सनली यहाँ पे रखता हूँ 80। पहले मैं 100 रखता था, अभी मैं 80 रखता हूँ, और 80 से भी बहुत सही यहाँ पे एमिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत कम सेंसिटिविटी रखते हैं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। डिवाइस टू डिवाइस सेंसिटिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है, बट स्टिल मैं एक हाई सेंसिटिविटी यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। होल्ड फायर टू स्कोप को यहाँ पे हमेशा ऑन रखना है कंट्रोल्स में जाके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो गलतियां लोग क्या करते हैं, सिर्फ राइट फायर बटन से ही यहाँ पे हेडशॉट लेने की कोशिश करते हैं और एनालॉग का यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से ना हैंड शेक होता है और हेडशॉट कनेक्ट नहीं होते। अब वैसे बहुत लोग के साथ होता भी होगा ऐसा कि स्नाइपर से एम लेते होगे, हेड पे ले जाते होगे और सडनली ऐसे हाथ हल्का सा शेक हो जाता होगा, कांप जाता होगा और हेडशॉट मिस हो जाता होगा। किसके किसके साथ होता है कमेंट में बताना, बट उसका सलूशन है इसी वीडियो में। तो सेटिंग्स हो गई, बेसिक्स हो गए, अब हम लोग सीधे पता करते हैं वो ट्रिक्स जिनसे हम हेडशॉट लगा सकते हैं, चाहे एनिमी स्टिल हो या फिर रनिंग पोजीशन में यानी कि दौड़ रहा हो सामने से, उस पर भी हेडशॉट लगाना बहुत ईजी हो जाता है। अब फैमिली चलो ट्रिक बताने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टिंग ले लेता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना हर एक क्लिप को, आपको वो टेक्निक समझ में शायद आ जाए, बिकॉज हर एक हेडशॉट में मैं सेम टेक्निक यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऊपर आया, एम लिया एंड ये हेडशॉट कनेक्ट हो गया। तो वो टेक्निक क्या है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक लाइक जरूर करते जाना वीडियो को। इस वीडियो का लाइक एम है 35,000 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट करा देना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे राइट फायर बटन से क्या करना है, एनिमी का जो हेड है उसके राइट साइड तक ड्रैग करके ले आना है, पूरा एनिमी के हेड तक नहीं लेके जाना है, ठीक है। ध्यान रहे पूरा एनिमी के हेड तक लेके नहीं जाना है, बिकॉज सेंसिटिविटी मैंने बताया था हाई रखना है, तो हाई सेंसिटिविटी की वजह से हमको एग्जैक्ट पूरा एम नहीं लेना है, सिर्फ एनिमी के हेड के राइट साइड तक लेके जाना है। एंड देन इसके बाद काम आता है लेफ्ट एनालॉग का यानी कि जो जॉयस्टिक होती है उसका। अब क्या करना है, जॉयस्टिक से थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रैग करना है, यानी कि लेफ्ट में पुल करना है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट में ऐसे ड्रैग करके एनिमी के हेड पे ले जाके तब राइट फायर बटन को छोड़ना, उससे पहले नहीं, ठीक है। यानी कि राइट फायर बटन का काम क्या था, एनिमी के हेड के करीब में जस्ट एम को लेके जाना और एनालॉग के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करना। देखो बहुत इजी टेक्निक है। वंस अगेन यहाँ पे भी देखो, एनिमी के हेड के राइट साइड पे लेके गया और एनालॉग से लेफ्ट में करके हेडशॉट कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वही सेम ट्रिक फिर से यूज की गई है। राइट फायर बटन से एनिमी के हेड के राइट में एम लेके गए, देन अगेन जो हमारी जॉयस्टिक होती है उससे यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रैग करके हेड पे एम ले जाके जो एम था उसको रिलीज कर दिया और शूट कर दिया। वही सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करी गई, और यही सेम टेक्निक हर जगह यूज़ की जाती है अगर यहाँ पे प्रॉपर हेडशॉट कनेक्ट करना चाहोगे आप तो, इवन रनिंग हेडशॉट के लिए भी। रनिंग हेडशॉट के लिए देखो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। देखो इसमें भी टेक्निक वो काम आ जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ता है, जो तुम्हारा रेड डॉट यानी जो तुम्हारा एम होता है ना और जो एनिमी का हेड होता है उसको बराबर लेवल पे रखना है, एकदम सेम लेवल पे रखो। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखो यहाँ पे मैं खींचा हूँ तो देख सकते हो मेरा जो रेड डॉट है उसका जो यहाँ पे लेवल है और जो एनिमी के हेड का लेवल है वो बिल्कुल सेम है। हाँ हालांकि यहाँ पे रनिंग हेडशॉट के लिए लक फैक्टर भी काम करता है, लेकिन उस लक फैक्टर की प्रोबेबिलिटी को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर ये टेक्निक फॉलो करते हो। रनिंग हेडशॉट के लिए बस इतना ध्यान रखो कि एनिमी का जो हेड है उसके लेवल पे रख के यहाँ पे शूट करना, अगर सही कनेक्ट हो गया तो हेडशॉट आसानी से लग जाएगा। एंड बहुत सही टेक्निक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी लूँ यहाँ पे भी देख के आसानी से समझ जाओगे, वही सेम चीज़ फॉलो हुई है। ध्यान से देखो लेवल देखना, मेरा जो रेड डॉट रहेगा यानी कि स्नाइपर का जो स्कोप है उसका जो एम रहेगा और जो एनिमी का हेड रहेगा, वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींचूँ तो देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम वही लेवल पर उसका हेड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग हेडशॉट के लिए। बाकी प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट ही है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वीडियो के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके स्नाइपर से ढेर सारे हेडशॉट मारने वाले हैं, इवन ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं कस्टम्स मैचेस में या फिर रैंक मैचेस में भी यूज़ करके देखना।
कितना ज्यादा हेडशॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसमें मास्टर हो जाओगे, और ये ट्रिक यूज करोगे तो स्नाइपर से हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड यस, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना बिकॉज हमारे नेबर के यहाँ कुछ काम चल रहा है। और गाइज, मेक श्योर लाइक जरूर करना बिकॉज बहुत मेहनत से ये वीडियोज बनती हैं। एंड मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, बट राइट नाउ मैं कल बैठा था और मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा इधर उधर स्क्रॉल करना शुरू किया, एंड मैंने देखा कि यार फ्री फायर के क्रिंज कंटेंट को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन शॉर्ट्स मैं देखता हूँ जहाँ पे 600,000 लाइक्स, 1,000,000 लाइक्स तक जाते हैं, एंड वहीं जहाँ पे जेन्युइन क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल ले लो ऑरा का, AU का ले लो, ठीक है, ड्यूकर का ले लो। सो ये सब बहुत जेन्युइन कंटेंट्स बनाते हैं बट इनको सपोर्ट नहीं है, वही क्रिंज कंटेंट को इतना ज़्यादा सपोर्ट है। अभी तक आपको लगता होगा ना कि ये जो रोस्टर्स होते हैं ये क्यों हैं, मतलब इनकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली इनकी ज़रूरत है बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक होता है ना क्वालिटी कंटेंट, उसकी फीफा में बहुत ज़्यादा कमी पड़ती आ रही है। और इस वजह से ना मैं खुद थोड़ा कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार यहाँ पे ऑडियंस को पसंद क्या है, बिकॉज इनको जेन्युइन कंटेंट दो, इनको नॉलेजेबल कंटेंट दो, इनको फनी कंटेंट दो, वो इनको नहीं समझ में आता है। वहीं पे क्रिंज कंटेंट दे दो तो बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो देखो, इस सब पे मैं खुल के बाद एक अलग वीडियो में ज़रूर करूँगा, एंड इस टॉपिक को भी हम ज़रूर छेड़ेंगे बिकॉज नाउ आई थिंक इसको छेड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही है एंड फ्री फायर की ऑडियंस कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उनको मार्गदर्शन देना तो पड़ेगा ही। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, और वंस अगेन 35,000 का लाइक है, मैं आई नो कि कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज अब वो पहले जैसे वाली बात तो रही नहीं है, जैसे मैं लाइक एम देता था कंप्लीट हो जाता था, बट इट्स ओके, हम लोग कंटेंट बनाते रहेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, Goodbye, take care, make sure to like, subscribe, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी कमेंट पे जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड यस, हाउस स्ट्रेटजी पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है, इस बार ज्यादा वेट नहीं करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर फैमिली। Triple kill.